सही है, एकदम सही है करिश्मा मैडम। सही है क्या? सही है, अपने पति को डरा के धमका के रखती है, चाहती है कि दुनिया के सारे पति भी डरे से मैं रहे। अच्छा पुष्पा जी, हम डरा के रखते हैं। आप चुप रहिए, आप बोलिए। मैडम जी देखिए, अगर हम घर में माली रखते हैं तो महीने का 1500 रुपए लेता है, कुक रखे तो महीने के 2000 रुपए लेती है, और कपड़े बर्तन वाली उभे महीने के 1000 रुपए लेती है, और हम घर का सारा काम करते हैं फ्री में। आईब्रो बनवाने के लिए 200 रुपए मांगे ना तो कहते हैं फिजूल खर्ची करती है। ये पूरी दुनिया में अपने काम से पहचाने जाते हैं, और हम कुछ भी कर ले, हाउसवाइफ की हाउसवाइफ। मैडम जी आप बताइए कि इसके आगे हमारी कोई पहचान नहीं है? लेकिन पहचान चाहिए क्यों? क्या इतना काफी नहीं कि तुम्हारा अपना एक घर है और उस घर की तुम मालकिन हो? हाँ, मालकिन। जिस घर के नेम प्लेट के आगे भी इनका नाम लिखा हुआ है। हर छोटी मोटी चीज के लिए भी ना, दूध वाले तक को हमको बोलना पड़ता है, भैया हम कल इनसे पूछ कर बताएंगे, हम उस घर के मालकिन। अपने जेब खर्च के लिए भी ना इनके पर्स से पैसे चुराने पड़ते, और हम ठहरे मालकिन। अरे तो वो तुम हो वो चोर जो मेरे पर्स से पैसे चुराती हो? हम पैसे चुराएंगे जब तक हमारी सैलरी की शर्त नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। हम पैसे चुराएंगे 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 चुराएंगे। तजुर्बा कहता है हमारा कि आप दोनों के रिश्ते को जरूरत है तो थोड़े से तालमेल की, एक दूसरे को समझने की। आप लोग मैडम सर, पर जिस अकड़ से ये चिंतन भाई साहब यहाँ से निकले हैं ना, हमें नहीं लगता उनको इनकी बिल्कुल भी चिंता है। अगर हम होते इनकी जगह, हम धरना पे बैठ जाते। और तब तक नहीं हिलते जब तक ये चिंतन नाक रगड़ते हुए हमारे सामने नहीं आता और इनका सैलरी वाला बात नहीं मानता। रिलैक्स करिश्मा सिंह, हमने ये थाना खोला है ऐसे मैटर्स को सुलझाने के लिए, और वैसे भी इनका फैमिली मैटर है। पुष्पा जी। जी मैडम सर। काउंसलिंग करके इनका केस सॉल्व करिए। फैमिली मैटर था मैडम सर, अब थाने का मैटर है ये। और क्या गलत बोल रही है ये, हर घर में ये टोपागिरी चल रही है। मतलब औरत रात दिन एक कर दे अपना घर संभालने में, बदले में अपनी जरूरतों के लिए भी अपने पति के सामने हाथ पसारना पड़ता है। अम्मा बंद हो जाना चाहिए ये सदियों से चलता आ रहा रूढ़ीवादी मानसिकता, इसके खिलाफ तो आवाज उठना ही चाहिए। करिश्मा सिंह अब कौन सी बात कहां ले जा रही है? ये कोई पहला कपल है जिनके बीच प्रॉब्लम हो रही है? अरे पति पत्नी के बीच ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। मैडम सर आपको कैसे पता? आप तो अभी भी अपने लिए लड़का ढूंढ रहे हो। हमारा मतलब है कि हर मसले का हल धरने पर बैठना नहीं होता। देखिए मैडम सर, हमें जो कहना था हम कह चुके, और आज हमने ये बात एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से नहीं कही, बल्कि एक आम महिला, एक हाउसवाइफ की हैसियत से कही। इसके लिए धरना होना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है करिश्मा सिंह, अगर दिमाग हो तो ये मसला बातचीत करके भी हल किया जा सकता है। कीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप अपने तरीके से हल कीजिए, हम अपने तरीके से निपटेंगे। चॉइस इनका है, या तो अपनी प्रॉब्लम का आपके सामने सत्संग करेंगी, या फिर हमारे साथ आके अपने उस टेढ़े पति को सीधा करेगी और उसको सबक सिखाएंगी। जय हिंद मैडम सर। हमारे लल्ला के तो नसीब ही फूटे हैं। मैडम जी हमको लगता है वो मैडम जी सही कह रही हैं। मुझे भी यही लगता है, करिश्मा मैडम सही है। और आप पुष्पा जी, आपको क्या लगता है? मैडम सर हम आपके साथ हैं, आप भला गलत कैसे हो सकती हैं? मगर चिंता हमें करिश्मा मैडम की हो रही है, पता नहीं अब कौन सा नया प्रपंच रचाने वाली है। हेलो, जय हिंद मैडम सर।
अब जी मैडम से जैसे आपने कहा था पूरी डिटेल निकाली चिंतन पांडे की, पूरी सोशल साइट स्कैन की है, इनकी पोस्ट की हुई फोटोज और अपडेट्स को देखकर तो यही लगता है कि बहुत शरीफ इंसान है, बस थोड़ी शौकीन टाइप है। हफ्ते में 2 बार पार्लर जाता है मसाज करने के लिए, ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ चिल करते फिल्म्स देखते, इन शॉर्ट अपनी लाइफ एंजॉय करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ओह ये तो मेरे ही भाई निकले। नहीं 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 मैडम सर आपको नहीं, अभी के लिए इतना ही। हाँ जी मैडम सर, जय हिंद। कहाँ है हसीना मैडम? कहाँ है हसीना मैडम? देखो बिल्लू जी ऐसे ही बहुत सारा काम पड़ा है, अब आप शुरू मत हो जाना, ये मियाँ बीवी की लड़ाई ना थाने में भी लग गई है। वही तो अगर मैंने शादी कर ली और मेरी बीवी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो आपको मुझे अंदर करना पड़ेगा। नहीं हसीना मैडम को ये सब रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा। मैं बिना लिखा पढ़ी के शादी का रिश्ता नहीं लूंगा। अबे बिल्लू एक बात बता, हाँ? तेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज आते कहाँ से? अबे चड्डे पूरी शिद्दत के साथ अगर कोई प्यार करेगा तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। हाँ बट प्यार सच्चा होना चाहिए, जैसे मेरा और इस थाने का, तेरे जैसा नहीं जहाँ से परफ्यूम की सुगंध आई वहाँ चल दिए टुच्चू। अबे तू भी नहा लिया कर कभी, अब तो खुला घूम रहा है। हो गया आप दोनों का। सनी तुम बताओ तुम क्यों आए हो यहाँ पे? अरे मैंने सुना है कि इस थाने में एक नया केस आया, किसी बीवी ने अपने ही घर पे काम करने के लिए अपने ही पति से सैलरी की डिमांड की है, और इसी केस के चलते करिश्मा सिंह और हसीना मलिक में फिर से ठन गई है ना? देखो इसको भी पता चल गया, अब तो बताओ हसीना मैडम कहाँ है? हसीना मैडम बाहर गई है काम से, थोड़ी देर में आ जाएगी। ओ तो थोड़ी देर क्या करे चड्डे, तुझे मेरा जूता बहुत पसंद है ना? आ प्यार बढ़ाते नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, लेके रहेंगे अपना अधिकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, लेके रहेंगे अपना अधिकार। पुष्पा सिंह हेड कांस्टेबल लखनऊ महिला पुलिस थाना, आइए चलते हैं उनसे जानते हैं। पुष्पा जी आप क्या कहना चाहेंगी इस धरने को लेकर? देखिए हम जो कुछ भी कहेंगे ना एक महिला होने के नाते कहेंगे, ना ही कि पुलिस का। हाँ इसीलिए हमारा कहा बस इसे हमारी व्यक्तिगत टिप्पणी समझिएगा, ऑफिशियल नहीं। जी हाँ नारी शक्ति जी, शांत हो जाइए। हम कह रहे थे ये तो एक दिन होना ही था ना, एक बात बताइए हमको गृहिणी होती क्या है? बताइए ना गृहिणी होती क्या है? गृहिणी मतलब बीवी, बीवी गृहिणी रीढ़ की हड्डी होती है। जी बिल्कुल, माने जैसे इंसान बिना रीढ़ के हड्डी चल नहीं सकता वैसे ही कोई भी घर बिना गृहिणी के चल नहीं सकता, मगर गृहिणी को कोई महत्व देने को तैयार ही नहीं है ना, देख रहे हैं ना आप। हाँ नारी शक्ति, मेरे मां कुछ, इसीलिए एक गृहिणी का सब्र का बांध फूट गया और मन का आंदोलन बाहर आ गया। देखिए करिश्मा सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे इस धरने को लेकर? देखिए बहुत हुआ सम्मान, अब इन नारियों को इनके काम का मुआवजा मिलना चाहिए, इनके आत्म सम्मान से इनको जीने का हक मिलना चाहिए। एक एक नारी होने के नाते हम ये कहेंगे, बाकी हमारा ड्यूटी हमारा पहला प्राथमिकता। तो जैसा कि आपने सुना व्यक्तिगत रूप से यहाँ की महिला पुलिस भी मानती है कि राधा सही कर रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक गृहिणी होने के नाते आत्मसम्मान के साथ साथ जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए। अब सिर्फ देखना ये है ये धरना क्या रंग लाएगा, क्या होगा इस केस में आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हर न्यूज का एक ही अड्डा। मैं हूँ आपका अपना सनी चड्डा। नारी शक्ति। हेलो हाँ जी। हेलो अजी ये क्या उत्पात मचा दिया आप लोगों ने, मेरी वाइफ ने खाना बनाना बंद कर दिया है, सैलरी मांग रही है कहाँ से? जी हमारी बात सुनिए सब ठीक कर देंगे हम। हाँ सब ठीक कर देंगे। हेलो जी बोलिए सुन जी। पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी मैडम, हर कोई घर बैठ के बच्चे संभालेगा, खाना बनाएगा, कपड़े धोएगा तो कमाएगा कौन मैडम? कमाई नहीं तो टैक्स नहीं, टैक्स नहीं तो देश नहीं, देश नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो ये देखिए फिर फोर्टी कर दी गधे के बच्चे ने। एक मिनट एक मिनट। हेलो हाँ जी हाँ हाँ आप पहले शांत हो जाइए, हम सब ठीक कर देंगे ना। हाँ विश्वास रखिए, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं आप हमको? आप हम हेलो जी सर
हाँ सर, हमें आपकी बात बिल्कुल सुनाई दे रही, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ सर, हाँ बोलिए सर। ये सब क्या हो रहा है मिस मलिक? पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है, फोन पे फोन आ रहे हैं, पब्लिक प्रेस मीडिया सब पीछे पड़े हैं, किस किस को जवाब दूं? आधी औरतें धरने पर बैठी हैं और आधी औरतों ने घर का काम करना बंद कर दिया है। आदमियों को घर और बच्चे संभालने पड़ रहे हैं, कोई ऑफिस नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहे हैं, पूरी वर्किंग मशीनरी ठप पड़ी है। ओ क्या रहा है ये? सर सर प्लीज प्लीज काम डाउन, आई अश्योर यू आई विल गेट दिस अंडर कंट्रोल एज सून एज पॉसिबल। ओके, यू शुड बी मिस मलिक, वरना पूरा डिपार्टमेंट प्रॉब्लम में आ जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ सर, वो जो आपको फाइल भेजी थी सैलरी से रिलेटेड, उसका कुछ हुआ? सर 5 महीने से यहाँ किसी को सैलरी नहीं मिली, अगर आप साइन कर देते तो। ऑफिस जाऊंगा तो साइन करूंगा ना, घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अभी नाश्ता बना कर आता हूँ, अब यूनिफॉर्म प्रेस कर रहा हूँ। आप ये मत पूछिएगा कि वाइफ कहाँ है। दूसरी औरतों के साथ धरने पे बैठी है क्या? दीदी आपने हमसे झूठ कहा था। आपने झूठा प्रॉमिस किया क्या? हाँ, आपने कहा था 2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, पर प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई ही नहीं, उल्टा और बढ़ गई। हमारे मम्मी पापा पहले से और भी झगड़ा कर रहे हैं। हम आपे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस कर देंगे। क्या क्या क्या? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसका मतलब होता है कि। पता है, ये सिखाया किसने तुम्हें? करिश्मा दीदी ने।